फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं रजवीर और आप देख रहे हैं मैच प्रेडिक्शन फॉर टुडे चैनल। तो आज बात करूंगा कोई मैच के बारे में नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा इस वीडियो में। आज बात करूंगा वो है कि इस वर्ल्ड में इस जो क्रिकेट कैरियर है या फिर क्रिकेट की जो दुनिया है, क्रिकेट दुनिया में कुछ इस तरह की बॉलर होती है जो डेड बॉलर, जो स्पिनर बॉलर, जो खतरनाक बॉलर और कुछ इस तरह की बॉलर भी होती है जसप्रीत बुमराह की तरह कुछ अजब सी बॉलर। तो आज बात करूंगा उस बॉलर को लेकर जो अपने क्रिकेट कैरियर में कभी भी नो बॉल नहीं किया था, अपनी जो लाइन है लाइन क्रॉस नहीं किया था, कुछ ऐसी पांच बॉलर को लेके आज बात करूंगा। दुनिया की बेस्ट बॉलर मुझे जिस जो जो बॉलर लगती है, क्योंकि यार नो बॉल कभी भी सुना है आप लोगों ने कि कभी कोई बॉलर ने नो बॉल नहीं किया था अपने कैरियर में। तो आज एक ऐसी वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो अब तक हमारे साथ है आप लोग, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना और देखते रहना जो लास्ट की जो नाम आती है, बहुत एक अजब सी नाम को आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ जो आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि इसी बॉलर ने कभी भी नो बॉल नहीं किया था। तो देखते रहो वीडियो और अंत तक देखते रहो और वीडियो को लाइक एक जरूर करना, क्योंकि एक ऐसी नाम मैंने बताने वाला हूं। तो यार सबसे पहले इस लिस्ट में जिसका नाम आती है वो है लेनी गिब्स की। ये जो प्लेयर है यार, ये हर्शल गिब्स नहीं, साउथ अफ्रीका की प्लेयर नहीं है, ये जो प्लेयर है लेनी गिब्स, ये है वेस्ट इंडीज की प्लेयर। और ये जो गिब्स है, इस गिब्स ने तो वेस्ट इंडीज में उस समय में बहुत एक बेस्ट बॉलर था और वेस्ट इंडीज की क्या बताऊँ कि एक टेस्ट कैरियर में वो वेस्ट इंडीज की जान था। और टेस्ट कैरियर में इस लेनी गिब्स को सभी बैट्समैन उस समय में बहुत ही डरता था, क्योंकि ये जो बॉलर था वो बहुत एक डेंजरस बॉलर था, बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया था। और इस आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो लेनी गिब्स है कुछ यंग स्टार जो है वो नहीं जानते हैं कि ये जो लेनी गिब्स है इसने एक ऐसी बॉलर है दुनिया की जो 300 विकेट जिसको बहुत ही शानदार कहती है हम लोग। और ये जो शानदार एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री ने सबसे पहली जिसका नाम आती है वो है लेनी गिब्स की। ये जो लेनी गिब्स ने अपने कैरियर में 300 विकेट सबसे पहले इसकी हासिल में था, ये जो लेनी इसको गिफ्ट किया था। ये जो लेनी गिब्स ने तो 79 यानी कि 79 टेस्ट और 30 ओडीआई मैच से खेला था। लेकिन यार इतने सारे मैच खेल के भी ये जो प्लेयर है वो कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं किया था। इसी की बात जो आती है दूसरी प्लेयर है वो लेन बॉथम है, और लेन बॉथम है इंग्लैंड की एक सबसे वर्ल्ड बेस्ट बॉलर में कहूंगा, क्योंकि ये जो लेन बॉथम है वो बहुत ही एक अच्छी बॉलर था उस समय में इंग्लैंड के लिए। और ये जो लेन बॉथम है, लेन बॉथम ने जो अपनी क्रिकेट कैरियर शुरू किया था वो है 16 इयर्स में, यानी कि 16 उम्र में ये क्रिकेट कैरियर शुरू किया था। इंग्लैंड की सबसे यंगस्टर प्लेयर था और है अभी भी है ये जो लेन बॉथम है। इससे पहले इसकी उम्र जब 16 था उस समय में ये क्रिकेट इंटरनेशनल मैचेस खेला था, लेकिन इंग्लैंड की कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 16 उम्र में खेला था, और इसकी कम उम्र में कोई प्लेयर आया है अभी तक। अगर गया है तो मुझे कमेंट्स करना यार। ये जो लेन बॉथम है, लेन बॉथम ने तो 102 टेस्ट और 116 मैचेस खेला था, लेकिन यार सोचो 116 ओडीआई और 102 टेस्ट है, बहुत 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 मैच होता है यार। और ये जो टेस्ट है, टेस्ट में तो एक टेस्ट में ही चार चार इनिंग्स होती है यार। तो ये इतने सारी मैचेस खेल के भी ये जो लेन बॉथम है इसने कभी भी यार नो बॉल नहीं किया था। अपनी जो लाइन है, अपनी जो बॉर्डर है जिसको बॉर्डर कहती है बॉलर के लिए, वो बॉर्डर कभी भी क्रॉस नहीं किया था। तो सोचो यार मेरी तरफ से तो ये जो बॉलर है वो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, क्योंकि इतनी सारी मैच खेल के कोई भी एक नो बॉल नहीं किया था यार। तो बहुत ही अच्छे बॉलर है ये जो लेन बॉथम है। और इस कैरियर में जो नो बॉल नहीं किया था इस लिस्ट में, अगर तीसरी की बात करो तो तीसरी जो है वो डेनिस लिली है। ये जो ब्रेडली नहीं यार, ये डेनिस लिली है। ये भी एक ऑस्ट्रेलियन की प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन की उस समय में एक खतरनाक पेसर कहता था, ये वर्ल्ड बेस्ट पेसर था। इस लिली ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यार क्रिकेट जो कैरियर वो बहुत जल्द खत्म कर दिया था ये जो डेनिस लिली है। लेकिन यार डेनिस लिली भी कभी भी नो बॉल नहीं किया था, और तो 70 टेस्ट और 63 यानी कि 63 ओडीआई मैचेस खेला था, लेकिन कोई भी मैच में यार नो बॉल नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है, पेसर है, पेसर यार सोचो, जरा पेसर स्पिनर होता तो मैं समझ जाता, लेकिन यार पेस बॉलर है, कोई भी फास्ट पेसर था ये जो डेनिस लिली, वो फास्ट बॉलर था, लेकिन कोई भी नो बॉल नहीं किया था ये जो डेनिस लिली। तो बहुत ही कमल की बॉलर है, बहुत ही कमल की बॉलर है। तो ये जो चौथी जो प्लेयर के नाम बताऊंगा वो सुन के तो आपकी होश उड़ जाएगी, क्योंकि एक ऐसी देश की प्लेयर के नाम मैंने बताने वाला हूँ जिस नाम सुन के आप लोग बोलोगे यार ये तो बकवास कर रही है। लेकिन यार बकवास नहीं है यार, मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर। ये जो चौथी की जो लिस्ट है, चौथी की प्लेयर जो है वो है इमरान खान, जो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है अब। और ये जो इमरान खान है, इमरान खान ने तो यार वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर था उस समय में। इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को सबसे पहली जो वर्ल्ड कप है वो जीता था इमरान खान ने। और इमरान खान की जो कैरियर है ना आप
लोग देखोगे तो आप लोगों की होश उड़ जाएगी ये जो इमरान खान की कैरियर है। और इमरान खान ने टेस्ट मैचेस बहुत कम खेला है और ओडीआई बहुत ज़्यादा खेला है। तो यार इमरान खान ने तो 88 टेस्ट और 175 ओडीआई मैचेस खेला था इमरान खान ने, लेकिन इसे इतने सारे मैच खेल के जो जो टीम जो यार मैं बताऊँ अगर पाकिस्तान की टीम की अगर बताओ अगर आप लोग प्लीज बॉलिंग लाइन की अगर देखोगे तो कोई भी ऐसी बॉलर नहीं है जो नो बॉल या फिर जो एक्स्ट्रा रन नहीं देता है, क्योंकि पाकिस्तान नंबर वन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइन आप है जो एक्स्ट्रा रन बहुत ज़्यादा देती है और एक्स्ट्रा रन की वजह से वो कभी कभी मैच भी हार जाती है पाकिस्तान की टीम। लेकिन यार इमरान खान एक ऐसी बॉलर है जिसने कभी भी नो बॉल अपनी जो लाइन है अपनी जो बॉर्डर है बॉलिंग की वो बॉर्डर कभी भी क्रॉस नहीं किया था। और यार चार चार नाम तो मैंने बता दिया जो लास्ट नाम जो है जो नो बॉल नहीं किया था अब तक इस क्रिकेट कैरियर में, वो जो एक ऐसी प्लेयर जो अभी भी अगर कोई सुनता है ना तो बोलता है सलाम है भाई आपको, तो वो प्लेयर है वो है कि कपिल देव। ये जो कपिल देव है ये कपिल देव तो एक ऐसी प्लेयर था एक बेस्ट ऑलराउंडर था जिसने अपने कैरियर में बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी किया था। और ये जो कपिल देव है कपिल देव की वजह से इंडिया ने 1983 में 1983 में वर्ल्ड कप जीता था इस कपिल देव के लिए। और कपिल देव एक वर्ल्ड क्लास नंबर वन ऑलराउंडर था जो कोई भी प्लेयर अब तक नहीं बना है इस कपिल देव की तरह। तो ये जो कपिल देव है कपिल देव ने तो 131 टेस्ट और 225 ओडीआई इंटरनेशनल वनडे मैचेस खेला है, लेकिन यार कोई भी एक मैच ऐसा नहीं था जिस मैच में जिस ओवर में इसने नो बॉल किया था। तो सोचो यार कि मैंने जो बोला था आप लोगों से कि आपकी होश उड़ जाएगी और मेरी तो होश उड़ गई थी। और वर्ल्ड नंबर बेस्ट की प्लेयर की अगर लिस्ट दिखा जाए जो ऑलराउंडर है बेस्ट है तो उसमें से तो ये जो कपिल देव है कपिल देव की नाम तो जरूर आएगी, क्योंकि यार ये जो कपिल देव है ना वो एक ऐसी बॉलर था इंडिया की प्लेयर जो है वो अभी भी मिस करती है जो कपिल देव को। तो चल तो यार क्रिकेट कैरियर में जिस प्लेयर ने अभी भी जो नो बॉल नहीं किया था इसकी नाम तो मैंने आप लोगों को सुना दिया। तो यार चलते हैं आज के लिए, और जाने से पहले अभी भी हमारे साथ है चैनल को देख रहे हो तो चैनल को यार जो लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब बटन की वो यार दबा देना और सब्सक्राइब कर दो यार कैसे भी करो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और जाने से पहले वीडियो को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो यार जरूर दबा लेना, लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना यार। आप करो आपकी दोस्त करे या फिर आपकी मौसी करे कर दो यार ये चैनल को सब्सक्राइब कर के जरूर रखना।